काहीं मरुछंती हाथी ए प्रश्न आसी पहुंचुची कलाहांडी करलापट अभयारण्य रे विगत 14 दिन भितर 6 जन हाथी मृतदेह उद्धार परे परिवेश भी चिंता रे वन विभाग चिंता रे राज्य सरकार चिंता रे जे प्रकृत रे 2 सप्ताह मध्ये एते संख्यक हाथी मले किभली आ ए मला पछर बा मृत्यु पछर कारण कोन होइथे पारे जहां संदेह करा जाउची जे हेमरेज सेफ्टी सीमिया भूताणु द्वारा हाथी मानकर मृत्यु होउची किंतु यहाँ सहित आउ एक प्रश्न सामना को आसुची जे संपृक्त एरिया एपर्यंत कौनसी गृहपालित पशु यही भूताणु द्वारा आक्रांत हो मृत्युवरण करना जदि गृहपालित पशु ये भूताणु द्वारा आक्रांत होना तेज़े हाथी देह को ये भूताणु केउठु आसला ना प्रकृत एपर्यंत वन विभाग कारण खोजी पारना जे हाथी मड़क पछर प्रकृत कारण कौन कौन पे हाथी मड़क होती स्थित को बा सिचुएशन को कई हैंडल कर दरकार कौन सब पदक्षेप निजा दरकार वन विभाग द्वारा ये तमाम उपर आलोचना करने आम सहित अच्छा परेशविद विश्वजित महांति अच्छा श्रीयुक्त महांति आपको स्वागत करुच्च आलोचना को जानवाक चाहूँगी जे आप कौन आकलन करुँचे 2 सप्ताह मध्य करलापाट अभयारण्य जो 6 जन हाथी मृत्यु होती 6 हाथी मृत्यु होती यहाँ पछर कारण कौन होते पारे कारण तो एबे ओयूटी जो विशेषज्ञ दल जाते से माने तार नमूना आसिकी टेस्ट कलापर जना पड़ी जे हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया कारण मरी जोटा कि गोटे संक्रमण बीमार एवं साधारणत गाई गृहपालित पशु ठार नहीं था विशेषकर महिषी आ गोरु गाई या था वन्यप्राणी आतीत भारत वर्ष कर्णाटक देखा जाए तीन टा हाथी मृत्युवरण करते कि वर्ष तले प्राय 10 वर्ष तले और जना पड़ा जी है कारण एवं यही दुटा जिनस गोटे जे सबू जो ये अच्छी आम अभयारण्य अच्छी अभयारण्य भितर रुवा अभयारण्य पार्श्वे मानने 5 किलोमीटर पर्यंत जो गाई गोरु अच्छा समस्त को टीकाकरण गोटे नियम अनुसार करने कथा जोटा किपी जदि न होता घोर अवहेला कहीं वेटनरी डिपार्टमेंट तरफ पशु संपद डिपार्टमेंट तरफ टीकाकरण करमार एच एस तक कह हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया यहाँ स्पेसिफिकली टीकाकरण गत वर्ष ओडिशा सरकार भी करते जगार कि यार प्राधान्य देवा कथा जो अभयारण्य अभयारण्य भितर जो गाई गोरु जो रही जो पल जो मैंने गाँव गाँव लोकर अच्छी अभयारण्य पार्श्वे जो मैंने चरुच्चे ताको आग प्राधान्य देखिए आग प्रथम टीकाकरण हवा कथा कि ना मुझे जानी से अनुसंधान कराइन गृहपालित पशु देह भूताणु ठाब करा जाए ना तो बड़ प्रश्न या सन्देह इतनी कराऊँगी जदि गृहपालित पशु भूताणु ठाब करा जाए ना तो हाथी ठारे ये भूताणु के आसी थी पारे देखो जहाँ तो आम जानूँ जो ट्रांसमिशन केवल कैटल रो एमती भी हो कौन चढ़ई मध्यम जब आई पाए आम तो ठीक से जापरू जो नुआ अनुसंधान यहाँ जना पड़ चढ़ई मध्यम जो चढ़ईटी बाहर आसिक से अभयारण्य बसवास कर मल त्याग कर भूताणु आसी पाए पा को जाकि पड़ी तो हाथी मैंने से पा व्यवहार करक्रमण आसी पाए तो कारण कौन ट्रेस करवा निहाती आवश्यक एमती हो पाए अने कौन माइग्रेशन होने जंगल रू आसवे कौन हाथी आसव कि राज्य भी आसती पारती आसिकी हाथी हो कि अन्य पशु हो आसिक से जंगल को भूताणु भी छाड़ पारती तेणु कारण खोजाक पड़ो आ गोटे कथ मन रखुदू जे जो हाथी प्रथम मृत्यु आरंभ है स्थानीय लोक ही ठाब कर वन विभाग में कौन सन्देह सूचना नाला और जदिओ 24 घंटिया पेट्रोली रहा कथ अभयारण्य हाथी मानों पर स्पेशली कौन सेमती भाया देखा जाठी होता कल्लाटे तेणु स्थानीय लोक खबर देते तीन चार दिन पर वन विभाग टीम पहुंचे प्रथम प्रथम मृत्यु आरंभ होगा से तो जना पड़े से अभयारण्य उपर कौन मानने निर्णय ना कि कौन गोटे तदारख कर पेट्रोली जदि सठिक समय हाथी सुरक्षा जांच कराता स्वास्थ्यवस्था जांच कराता बोध हुए हाथी मड़क सामना को आसुन था हाँ मैंने जोबले हाथीटा प्रथम हाथी जो आक्रांत होती सी तो निश्चित बेमार अवस्था असुस्थ अवस्था बुलू अभयारण्य भितर एवं गोटे जगह छिड़ा हो गली पड़ थो तेणु यही सब लक्षण जो वन विभाग पेट्रोलिंग टीम ताकू देखी था इमिडियेटली आलर्ट कर था अन्य हाथी मान के सुरक्षित हे कारण से पा सोर्स विशुद्ध केमी हम से सब पदक्षेप निता अन्य हाथी हे तो अन्य हाथी गुड़ा बची जाए कि कथाटा मुझे जहाँ कहली ओडिशा रे कौन सी जगह पेट्रोलिंग होनी बहुत कम वन विभाग खंड अच्छे जोटी पेट्रोलिंग निर्धारित मैंने निश्चित भाव रोचे ये जो कलाहांडी से एरिया रे जंगल को कहीं जाऊना तेणु जंगल जी जेहतु वन विभाग प्राय बंद कर देते अभयारण्य भितर हाथी मलापर जमी लोकों ठार खबर से पाँच
निज टीम जाणी कथा से जाने लोक सी भी तीन दिन मृत पर तेनाली सिचुएशन से लोकल सिचुएशन बहुत खराब सो फार एज पेट्रोलिंग आ मॉनिटरिंग देखा गले अधिकारी माने नियमित भाव जंगल रे पेट्रोलिंग करुछंती जो पशु माने अछंती जो जीवजंतु अछंती तांकर सुरक्षा पई 24 घंटिया प्रहरा मध्ये दिया जाउछि ता सत्य आपण त सिदासल कहउछंती जे विभाग ही दायी कारण एपर्यंत विभाग प्रथम करि खबर पहुँचे पारला नाही एवं जंगल मध्ये मध्ये विभाग कर्मचारी माने जाउ नाहंती ताले विभागीय अधिकारी कोन मिछ कहउछंती सुक्त विश्वजीत महांती देखो जा मु फैक्ट अनुसार जाऊँ कहीं हाथी मड़क जो मैंने पाई से बॉडी गुड़ा सब तीन दिन पुराणा तेनाली पेट्रोलिंग होता हाथी गोटे विराट जब जीव से मरला मैंने विदिन घंटा दि घंटा भितर आप खबर आसा कथ कहीं तुम तो पचे पचे रोया कथ हाथी गोटे जगह मरिक पड़गले से जो दुर्गंध हम से एरिया जाक प्राय पाखापाखि 200-300 मीटर पर्यटन से गंध व्यापी और गोटे दि चार घंटा ना गोटे दिन भितर तो खबर आसा कथ खबर समस्त स्थानीय लोक ही देखते तादी जना इवन खाली से नुह कलापाटे ओडिशा रे प्राय सब जगह जो हाथी मृत्यु होती वन विभाग खबर तीन दिन चार दिन सप्ताह 15 दिन पर पाँच मामला हाथी पड़वे अनेक जगह उदाहरण होती गला हाथी संपूर्ण सड़ी जाइए किसी पोस्टमार्टम करने भी ठीक से हो पारे पोस्टमार्टम तेनाली जमापड़े पेट्रोलिंग अभाव होती तेनाली पेट्रोलिंग जदि कोटि कोटि टाँग जाऊँच आ समस्ते जानते सारा ओडावासी वन विभाग में दुर्नीति अभिका चरम सीमार पहुंची गला तेनाली अवस्था पेट्रोलिंग ना पैसा जाऊँ से पैसा अपव्यय हो डीएफओ ताको तदारख करूना कार्यानुष्ठान ना तेणु आप छत्तीसगढ़ सरकार कार्यानुष्ठान देखो गत वर्ष जून मस नौटी हाथी छटी हाथी बोले आठ दिन भितर से सांगे सांगे नौ जन बन 11 जन आईएफएस अफिसर से ट्रांसफर कले गोटे दिन में चीफ ऑफ लेबर नहीं कि डीएफओ पर्यंत तेणु स्पष्ट मेसेज गला हाथी मृत्यु हम आप दायी हे अप्राक्तिकर मृत्यु हेल्ले से पदक्षेप ओडिशा के देखिए ओडिशा रे सस्पेंड हमें कौन मैंने गार्ड सस्पेंड हमें फरेस्टर सस्पेंड हमें सी तीन मास पर रिइनस्टेट हो जाती तेणु यही परिस्थिति जो उत्तरदायित्व तो फिक्स होनी हाथी सब मस प्रत्येक 15 दिन मृत्युवरण कर शिकारी हो विभिन्न कारण मृत्यु होती अप्राक्तिकर ट्रेन धक्कर संबलपुर में 6 हाथी मरले लास्ट वर्षे भितर आम बारंबार डिमांड करुच्छे डीएफओ को ट्रांसफर कर भल डीएफओ दिखाँ जेक सुपरवाइज कर तदारख करेंगे सी एपर्त सरकार शुणुना जोड़े हाथी ट्रेन धक्कर मिलने कहीं मनिटरी ठीक से करना तो अनेक अवहेला रोचे वन विभाग और वन विभाग जो मंत्री अच्छा विक्रम केसरी आरोप से संपूर्ण अपारग कौन आंतरिकता नहीं कौन इंटरेस्ट नहीं फॉरेस्ट फॉरेस्ट कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन तो क्योंकि ना क्योंकि ओडिशा राज्य बाहर और समग्र एशियार हाथी क्यों ना क्योंकि सुनाम कर राज्य सरकार यहाँ नहीं गर्व करते ओडिशा रे हाथी हाथी सुरक्षित अच्छा संख्या बढ़ुची किंतु ता सत्वे राज्य सरकार का खामख्याल मनोभाव कौन पर सुक्त महांती कारण गोटेपटे राज्य सरकार का वन विभाग कहते सरकार कहते विभाग कहे आम दायित्ववान भाव जो दायित्व आमको दि जाइए परिचालना करूँ ता निभाऊ किपटे जहाँ सूचना आसी पहुँचुची के ट्रेन रे कटी मृत्यु होते हाथी इलेक्ट्रिक तार संसर्शन आसी मृत्युवरण करुँच तो ये पुणी कर्लापाट अभयारण्य जहाँ खबर आसी पहुँचुची जे 14 दिन में 6 हाथी मृत्यु हो तो राज्य सरकार आक्शन मुड को कौन पे आसुना कौन पर छत्तीसगढ़ सरकार जो भाई भाव कार्यानुष्ठान नहीं दृष्टांतमूलक कार्यानुष्ठान उदाहरण सृष्टि करम राज्य सरकार कौन पे नहीं नुहत भाव कौन सी नेक्सस थीपर बोली आप डाउट करदेह कर एकम्र सन्देह हूँ करप्शन आज किसी ना गोटे कारण आप जानते गत वर्ष जो वन अधिकारी धरा हेले जो बहुत वरिष्ठ वन अधिकारी केत संपत्ति बाहर आकाउंट्रुक संपत्ति पुह सब मिसिकी से स्पष्ट जो वन विभाग कौली भाव में दुर्नीति चलती राज्य सरकार संपूर्ण मानने असहायता को रोकवाई कहना से भागीदारी अच्छा कहना एम मंत्री जब ठीक एक्शन निंते डीएफओ मैंने सस्पेंड हवा आरंभ हवा चाहे एरिया हाथी मरचे भी इनक्वारी पर स्थापित है लोड रही अवहेला रही ताले एक्शन ठीक से चलो किसी कहीं नहीं पार ना एक्शन कहना समस्त दुर्नीति कर रही तेणु विभाग जो दुर्नीति को मैंने उठ उपाड़ी से पर्यटन विभाग ठीक से चलो यही परिस्थित 10 वर्ष तेज ना 10 वर्ष तेज परिस्थिति अलग था और कार्यानुष्ठान होता हाथी मैंने सुरक्षित थे कंपेयर कले एवे कि जो रेट्रे हाथी मरुँच जदिव टाँग कौन से अभाव नहीं कैंपा पैसा 600 कोटी टाँग खर्च होती किंतु आम देखू पैसा गुड़ा प्राय अपव्यय हो पेट्रोलिंग एक्चुअली फिल्ड उपर गले देखा बहुत जगह लोक नए किए छुट्रे थी किए पोस्ट नस सिचुएसन कहीं कहे कहीं ऊपर लेवल अफिसर सुपरवाइज करना ऊपर लेवल अफिसर पोस्ट अधिकारी हाथी सुरक्षा पर स्वतंत्र करिडर करिडर उपर 24 घंटिया पहरा दि जाऊँगी नजर रखा जाता कौन मिछ राज्य सरकार केवल बाहबा नाप निज अधिकारी द्वारा यह कहते
ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ମିଛ କି ସତ ଆପଣ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଜାଣିଦେବେ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁହାର କେତେ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ମୃତ୍ୟୁହାର ହେଉଛି, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ପାଖାପାଖି 2000 କମ୍ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି, 1970 1980 ଖଣ୍ଡେ ହାତୀ ଲାଷ୍ଟ ସେନ୍ସସ୍ ଅନୁସାରେ। ତା ଛଡ଼ା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ୟାର ପାଖାପାଖି ଆମର 6 ଗୁଣା ମାନେ 3 ଗୁଣା ହାତୀ ଅଛନ୍ତି, 5500-700 ହାତୀ ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁହାର ଆମଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ହାତୀ ମଲେ ତାଙ୍କର ଅତି ତତ୍ପରତା ଦେଖାନ୍ତି ସରକାର, ତାଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ବି ଦିଅନ୍ତି, ଭଲ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅନ୍ତି। ଲୋକଟିଏ ମଲେ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ସରକାର 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବି କହୁଛୁ, ଲୋକ ଯେଉଁ ମରୁଛନ୍ତି ହାତୀ ଆଟାକରେ, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦିଆଯାଉ, ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ କମିବ, ସେଇଟା ବି ଶୁଣିବାକୁ ଆମେ ନାରାଜ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ, ଏ ବର୍ଷ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 116 ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି ହାତୀ ଆଟାକରେ 2019-20 ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, 2020-21 ସେଇ ତାର ସେଇ ଫିଗର ବି ଟପିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲୋକ ଯେଉଁ ମୃତାହତ ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ରୋକିବା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ରାଗ ବଢ଼ିବ ହାତୀ ପ୍ରତି ଏବଂ ହାତୀକୁ ମାରିବାକୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେଣୁ ହାତୀ ସୁରକ୍ଷାରେ ଯେତେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା, ଯାହା ହେବା କଥା, ସେ ମାନେ କୌଣସି କାମ ଏମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ମାସିକିଆ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ କରାଯାଉ ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା ନେଇକି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ରହିଛି ତା କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତା କେମିତି ସମାଧାନ କରାଯିବ, ତାପରେ ପୁଙ୍ଖାପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଆମକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଆମେ ବତେଇବୁ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ରିପୋର୍ଟ ମାନେ ମିଟିଂ ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅପାରଗ ମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ନବୀନ ବାବୁ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରିଲି। ବନ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନକୁ ଦିନ ତଳକୁ ତଳ ଯାଉଛି। ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହାତୀଙ୍କୁ ନେଇ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ହାତୀଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କେଉଁଭଳି ହେବ, ହାତୀ କେଉଁଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, କୁହାଯାଏ ଯେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜଳ ଥାଏ, ଯେଉଁଠି ହାତୀମାନେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ତାହାକୁ ବିଶୋଧନ କରାଯାଏ, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରାଯାଏ। ଯେହେତୁ ହାତୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଟୀକାକରଣ କରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେହି ଏସ୍ଓପି ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ କମ୍ସେ କମ୍ ହାତୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ସେ ନେଇ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ନା ଏଠି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି ହାତୀଙ୍କ ପ୍ରତି? ଦେଖନ୍ତୁ, କର୍ଲାପାଟ କେସ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଯେ ସେ ଗାଁ ଭିତରେ ଯେତେକ ଗାଁ ତା ଭିତରେ ଅଛି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ, ସେ ଗାଁର ଯେତେକ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ତାକୁ ସବୁ ଟୀକାକରଣ ହେବା କଥା, ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହେବା କଥା, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆକ୍ଟର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି ତା ପାଇଁ, ସେ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି କରା ହେଇନଥିବ ପ୍ରାୟ, କାରଣ ମୁଁ ତ ଖବର କିଛି ପାଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ସେ DFO କହିପାରିବେ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଭେଟନାରୀ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସେ କହିପାରିବେ। ସିଏ ଯଦି ସେଇଟା ରୀତିମତ ଜିନିଷ, ସେଇଟା ସବୁ ବର୍ଷ ହେବା କଥା, ସିଏ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କମ୍ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ହେଉଛି କି ହେଉନି ମୂଳରୁ। ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଯେ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣଙ୍କ ବେପାର ଯେମିତି ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ବେମାର ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁଛି, ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରୋକିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମନିଟରିଂ ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ଟି ଏବଂ ତା'ର ୱାଚର୍କୁ ନେଇକି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବୁଲିଲା, ହାତୀମାନେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କାହାର କେଉଁ ହାତୀର କିଛି ଅସୁସ୍ଥର ଚିହ୍ନ ପାଇଲା, ତେଣୁ ସେ ରିପୋର୍ଟ କଲା, ତେଣୁ ତା'ପରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଭେଟନାରୀ ଟିମ୍ ଯାଇକି ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବେ, ଏହିସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯଦି ଚାଲନ୍ତା ତାହେଲେ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଅନ୍ତାନି। ଇଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ପୁରା ଅବିକା ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ ବିଭାଗର ଯେଉଁ କହିଲି 35 ସିଷ୍ଟମ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି, ବହୁତ ଲୋକ ନିୟୋଜିତ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଟଙ୍କା ଅପବ୍ୟୟ ହେଉଛି, ନହେଲେ ଚଳୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆମେ। ତେଣୁ ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆଗ ଗୋଟେ ମାନେ ସକ୍ଷମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର, ଭଲ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଟାଣୁଆ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏକି ଡେଲି ମନିଟରିଂ କରିବେ ଏବଂ ଡେଲି ଜିନିଷଟା ବୁଝିବେ, ସେଇଭଳିଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ନାହାନ୍ତି ଅବିକା, ଯାହାଫଳରେ କି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେଫ୍ଟି ସିମିଆ ଭୂତାଣୁ ଯେହେତୁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ଠାରେ ମିଳିନାହିଁ, ତେଣୁ ହାତୀଙ୍କ ଠାରେ ତାହା ଯୋଗୁଁ ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଇପାରେ, ସେ ଭୂତାଣୁ ଯୋଗୁଁ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ଦିଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁନି କି, ଯେ ହାତୀ ଶିକାର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି, ତ ଏଠେଇ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି କିଛି ହେଇଥାଇପାରେ, କମ୍ସେ କମ୍ ଏହା ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସିବା ଉଚିତ, ତଦନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକାର ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ଶିମିଳିପାଳରେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ 2010 ଯେଉଁଥିରେ ପାଖାପାଖି 14 ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତାର କାରଣ ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଭୋଳି ମାଟି ବା ଯେଉଁଠି ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ଲୁଣି ମାଟି ଯେଉଁ ଥାଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ, ତାକୁ ହାତୀମାନେ ଯାଇ ଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଲୁଣି ମାଟିରେ ଶିକାରୀମାନେ ପଏଜନ୍ ପକାଇଥିଲେ, ବିଷ ପକାଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ବିଷକୁ ଖାଇକି ହରିଣ ମରିଛନ୍ତି, ହାତୀ ବି ମରିଛନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼େ ମରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଆଙ୍ଗଲଟାକୁ ବି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ତା ପାଇଁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ପୋଲିସର, ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା କଥା, ଏବଂ ସେମାନେ ଯାଇକି ସାମ୍ପଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଯେତେକ ଲୁଣି ମାଟି ଏରିଆ ସେଠି ଅଛି ଏବଂ ସେ ଦିନରେ ବି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା କଥା, ଏବଂ ଯେଉଁ ଟିସୁ ସାମ୍ପଲ୍ ଆସିଛି ହାତୀଠୁ ମୃତ ହାତୀରୁ ତାକୁ ବି ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବା କଥା ଯେ ପଏଜନିଂର ସାଇନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରୁନି। ଖାଲି ଓୟୁଟି ଲାବୋରେଟୋରୀ କହିଲେ ଯେ ହିମୋରୋଜିକ୍ ସେଫ୍ଟି ସୀମାରେ ମରିଛନ୍ତି, ହିମୋରୋଜିକ୍ ସେଫ୍ଟି ସୀମାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ସେଫ୍ଟି ସୀମା ହେବ ଯଦି ଆପଣ ପଏଜନ୍ ଯଦି ଜନ୍ତୁଟାକୁ ପଏଜନ୍ କରାହେଇଥିବ, ତେଣୁ ସେ ପଏଜନ୍ଟା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ଦେଖିବା କଥା। ସେ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ ବିଭାଗ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଭେଟେରିନାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆଇନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ।
ओके श्रीयुक्त विश्वजित महांति शेष रिएक्शन आपंठ नेबाकु चाहूँगी जे वर्तमान परिस्थिति रे हाथी मृत्यु को रोकवाई एवं 17 हाथी पल थे कह जा करलापट अभयारण्य रे एवं से 6 हाथी मृत्यु होती तो आहुरी 11 हाथी से हाथी पल रही से कई सुरक्षित रखा से नहीं वन विभाग तरफ कौन पदक्षेप निजा दरकार किसी तो पदक्षेप नहीं जमापड़ी जहाँ ये खबर मिलूँ जे जमी जतक जल राशि से अच्छी जंगल भितर ताको विशुद्ध करुँच अबिका इमिडियेटली देखा पड़े से जतक कैटल अच्छा जो गृहपात पशु तक सब सांपल टेस्ट ड्र कर देखा पड़े क्या देहर से ये अच्छे संक्रमण अच्छी नहीं कौन बेमार आ टीकाकरण जो हवा कथा जो है इमिडियेटली पड़े सब जगह टीकाकरण और सबुठ बड़ जिनस पेट्रोलींगटा जमी ठीक से हम ताक जगह जो 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 स्टेज अच्छी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से स्टेजा पालन करेटा जब न हो तो आप जिते परिश्रम कले भी हाथी सुरक्षा बहुत प्रश्नवाची है ओडिशा ओके बहुत बहुत धन्यवाद विश्वजित महांति परेशित आम सहित आलोचना करुते राज्य सरकार वन विभाग और सरकारी अधिकारी पार पणिया को मध्य काठगड़ा को टाणुते जे प्रकृत में केंभली भाव वन विभाग निजर दायित्व निर्वाह करुच्ची कि नहीं जो एसओपी रही जो हाथी मैंने बसवास करती तारी भितर जो गृहपात पशु मैंने रोचान समस्त को टीका दि जा आवश्यकता रही जो हाथी मैंने पा पीती से ही जल को विशोधन कर आवश्यकता रही बड़ प्रश्न हो 24 घंटिया पेट्रोलिंग राज्य वन विभाग द्वारा करना विभाग अधिकारी अवहेला 6 हाथी मृत्यु होती खासकर छत्तीसगढ़ में जोभली भाव छत्तीसगढ़ सरकार आक्शन मुड को आसी कार्यानुष्ठान आईएफएस अधिकारी को ट्रांसफर कर आम राज्य सरकार हाथी मृत्यु को केवे गुरुतर सहित नेउछंती अवहेला जो मान अवहेला घटना घटी थी पारे जदि उच्चस्तरीय तदंत कर कौन निष्कर्ष सामनाक आसूसी से मेबे कार्यानुष्ठान से विरोध में ताऊपर समस्त नजर कि बड़ प्रश्न जो हाथी मृत्यु को वर्तमान के रोक हाथी मृत्यु पक्षर प्रकृत कारण कौन ताभनाक आसवान बड़ प्रश्न समय सरी अर्गस बिग ब्रेकिंग को ये रखुचु नमस्कार।